मोदी सरकार के दो साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले शो की मेजबानी करेंगे बिग बी। 28 मई को इंडिया गेट पर जरा मुस्कुरा दो कार्यक्रम का होगा आयोजन। सीबीआई पूछताछ के बाद बौखलाए हरीश रावत, देहरादून हल्द्वानी रुद्रपुर में समाचार प्लस का प्रसारण करवाया बंद, खुद डीएम को फोन कर बंद करवा रहे हैं प्रसारण। केरल के मुख्यमंत्री पद की आज शपथ लेंगे पिनारई विजयन, शाम 4 बजे केंद्रीय स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता थॉमस इसाक लेंगे वित्त मंत्री की शपथ। कन्नौज में समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है, ऋतु के शव का आज दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाएगा। नोएडा से कन्नौज के लिए एक टीम पहुंच चुकी है, ऋतु को इंसाफ दिलाने के लिए समाचार प्लस ने मुहिम चला रखी थी। छात्रा ऋतु की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, समाचार प्लस पर अजय कुमार शर्मा ने खोली नोएडा पुलिस की पोल का सुसाइड नोट में जिस विशाल का जिक्र हुआ है उसी ने कराया था ऋतु का शव का पोस्टमार्टम। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज देंगे भदोही को बड़ी सौगात, 161 करोड़ की लागत से मिर्जापुर भदोही फोर लेन का करेंगे शिलान्यास। न्यायिक हिरासत में भेजा गया धर्मी बाबा परमानंद, बाबा की जमानत याचिका पर आज बाराबंकी कोई कोर्ट सुनवाई करेगी, चित्रकूट से हुई थी परमानंद की गिरफ्तारी। बाराबंकी में पाखंडी बाबा परमानंद को कोर्ट में पेशी के दौरान अधिवक्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा, वकीलों ने परमानंद को घेर लिया जिसके चलते बाराबंकी पुलिस ने परमानंद को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट तक पहुंचाया। आगरा में एक पत्नी ने पति को दूध में जहर देकर मौत की नींद सुला दिया और लाखों की ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गई, वहीं पुलिस आरोपी पत्नी की तलाश में जुटी है। मुरादाबाद पुलिस ने महिलाओं से दोस्ती कर ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 1,80,000 रुपए, मोबाइल, पैन कार्ड समेत एटीएम कार्ड बरामद किए। आईएसआईएस के वीडियो में देखिए आजमगढ़ के 3 युवक इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिनमें से एक आतंकी पर एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। बांदा में एक शख्स की मौखिक शिकायत पर पुलिस के 2 सिपाहियों ने 2 नाबालिग बच्चों को उनके घर से उठा लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। बहराइच के जिला पूर्ति अधिकारी विजय पाल सिंह पर सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना में भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया, जिसको लेकर सड़कों पर उतरे सैकड़ों बीपीएल कार्ड धारकों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कन्नौज में क्रॉसिंग का गेट बंद करने के दौरान एक तेज रफ्तार लोडर गेट को तोड़कर पटरी के बीचों बीच फंस गया, जिसके बाद ड्राइवर और गेटकीपर के बीच विवाद होने लगा। रामपुर में एसपी ने शराब की दुकानों के बाहर खड़े होकर हुड़दंग करने वाले 75 लोगों को छापा मारकर हिरासत में लिया, पिछले कई दिनों से आ रही शिकायत के बाद एसपी ने कार्रवाई को अंजाम दिया।